भारत ने पाकिस्तान से छीन लिया है सुकून, वजह जानकर आप भी खुश हो जाएंगे। टी20 वर्ल्ड कप के सारे लीग मैच खत्म हो गए हैं, अब सेमीफाइनल मुकाबले की तैयारी है। पाकिस्तान गिरते पड़ते नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गई है। पूरे पाकिस्तान अवाम में जश्न का माहौल है, पूर्व प्लेयर से लेकर फैंस तक हर कोई खुश है। खुश होने भी चाहिए क्योंकि किस्मत ने पाक टीम को यहां तक पहुंचाया। बाबर आजम की टीम सेमीफाइनल में पहुंच तो गई है, लेकिन भारत ने बड़ा खेल कर दिया है। भारत ने सेमीफाइनल से पहले कर दिया है गेम। टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप अपने आखिरी लीग मैच में जिम्बाब्वे को 71 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ग्रुप टू में टॉप पर पहुंच गई। भारत के कुल 8 अंक वहीं 6 अंक के साथ पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है। ग्रुप एक में न्यूजीलैंड पहले और इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है, यानी पाकिस्तान को अब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ना होगा। ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम पूरे वर्ल्ड कप में चैंपियंस की तरह खेली है, पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया को डाउन दिया। ऐसे में पाकिस्तान को सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं भारत का सेमीफाइनल में इंग्लैंड से टकराएगा। अपने ग्रुप में टॉप पर रहने के कारण टीम इंडिया दूसरे ग्रुप के दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम से खेलेगी। टी20 वर्ल्ड कप भारत का अब तक का सफर। पाकिस्तान को पहले मैच में 4 विकेट से हराया, दूसरे मैच में नीदरलैंड को 56 रनों से रौंदा, साउथ अफ्रीका से मिली 5 विकेट से मिली हार, बांग्लादेश को 5 रनों से हराया, जिम्बाब्वे को 71 रनों से हराकर ग्रुप में टॉप किया। सेमीफाइनल के मैच न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान 9 नवंबर, भारत बनाम इंग्लैंड 10 नवंबर को खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका को नीदरलैंड ने सुपर 12 में उनके अंतिम मैच में 13 रन से हरा दिया। अफ्रीका टीम एक बार फिर से ICC टूर्नामेंट में चौकर्स साबित हुई। वही ग्रुप में लगातार अच्छा खेल रही थी, लेकिन अंतिम मैच में वो बड़े टूर्नामेंट का दबाव नहीं झेल पाई। इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इस मैच में टॉस जीतकर बांग्लादेश ने बल्लेबाजी का फैसला किया और पाकिस्तान के सामने 128 रनों का लक्ष्य रखा। इसे पाकिस्तान की टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया।